हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। एग्जाम प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। पहले ये बताइए, हाल चाल कैसे हैं? टेंशन तो नहीं हो रही है फ्रेंड्स? टेंशन लेके करोगे भी क्या? टेंशन मत लो, जल्दी से बस काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सारी टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म होती चली जाएगी। सर, आप अपने बारे में बताइए, आपकी सेहत ठीक है? आपका गला ठीक है? फ्रेंड्स, ठीक तो नहीं हुआ लेकिन कोशिश जरूर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर, जिसमें एक फेमस केस लॉ है गार्नर वर्सेस मोरे, ठीक है? तो उस केस लॉ से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट जो बीकॉम में पढ़ाया जा रहा है वो क्या है। तो चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है? देखो, यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर है, जो ओनर है, वो मिलजुल कर अब काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो काम को बंद कर रहे हैं, बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं, राइट? चलिए, तब बात सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से। अब देखो, बिजनेस को अगर शट डाउन किया जाता है तो होता क्या है, एक कॉमन सेंस आप जल्दी से लगाइए, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली आपको ये सारी बातें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, एक छोटी सी हम बात कर रहे हैं, बिजनेस को हमें बंद करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पर इस बिजनेस से एसेट्स आप निकालो, बिजनेस से एसेट्स बाहर निकालो और उनको सेल करना शुरू करो। एसेट्स आपने बाहर निकाले और उनको सेल करना स्टार्ट किया, ठीक है? यानी उनसे पैसा इकट्ठा करना किया, जिसको बोलते हैं रियलाइज करना, अमाउंट रियलाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है? अब यहां से सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा, मनी आएगी, पैसे आएंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर जिस भी पार्टनर से पैसा लेना बन रहा है, कई जब हम लोग 11th 12th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ते थे तो कई बार पार्टनर के क्रेडिट साइड पर कुछ बैलेंस निकल के आ रहा था, जिसको हम लिखते थे बाई कैश। इसका मतलब जिस भी पार्टनर से पैसा लेना है एट दी टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, अगर किसी पार्टनर से पैसा लेना बनता है तो उस पार्टनर से पैसे आप ले लेंगे। तो पहले पैसा कहाँ से आएगा? एसेट को बेचकर। इसमें दो तरह के एसेट हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और एक हो सकते हैं हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है? वो बातें मैंने सब क्लियर की है वीडियोज में, कोई टेंशन नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएंगे कैसे अनरिकॉर्डेड की ट्रीटमेंट की जाती है, एसेट अनरिकॉर्डेड कैसे हो जाता है, ठीक है? यानी वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है लेकिन वो बिजनेस में हमारे पास है। अब ये जो एसेट्स हमारे पास हैं, हम डिसोल्यूशन के टाइम पर इनको बेचकर पैसे इकट्ठा करेंगे, राइट? फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी पैसा पार्टनर से अगर कोई पैसा आएगा, किसी पार्टनर को देना होगा तो पार्टनर से पैसा आएगा, ठीक है? पार्टनर से पैसा मिलेगा, अगर होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। और अगर हमारे पास कैश या फिर बैंक का कोई ऑलरेडी बैलेंस पड़ा होगा, हमारे बिजनेस में कैश या बैंक का कुछ बैलेंस तो होता ही है, थोड़ा बहुत पैसा बिजनेस में रखना पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप एसेट बेचेंगे, कुछ पैसा आएगा, फिर लायबिलिटीज यहां पे, सॉरी, ये जो पार्टनर से पैसा मंगाएंगे अगर होगा तो, इफ एनी, अगर किसी का देना बनता होगा, और कैश या बैंक का आपके पास कुछ बैलेंस होगा तो वह यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे एक फिगर ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पर आपका आया 15 लाख रुपए आया, पार्टनर से हमें कुछ पैसा मिला, टोटल मिला के 2 लाख रुपए मिला, और कैश में हमारे पास 1 लाख रुपए था, तो टोटल कितना आया, 15 और 2 17 और 1 18 लाख यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है? 18 लाख रुपीज यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। अब हम बात क्या करने वाले हैं,
एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ जी हम बात ये करने वाले हैं 18 लाख रुपी यहां पर हमारा इकट्ठा हो गया है। ध्यान देना अभी मैं गार्डनर वर्सेस मूरे केस पर नहीं आया हूं, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, ठीक है। 18 लाख रुपीज हमारा इकट्ठा हो गया जब बिजनेस को बंद किया जा रहा है। अब होगा क्या, ये जो पैसा है ये अब किसको दें? सबसे पहले यहां पे एक लाइन लगी रहेगी, सबसे पहले ये पैसा दिया जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। सबसे पहले इस अमाउंट में से जो पैसा पे किया जाएगा वो किसका किया जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए सीए की फी, सीए फी मतलब जब आपका काम बंद हो रहा होगा तो जो आपके खाते बनाएगा, जो पूरा सेटल करेगा अकाउंट्स को, वो कौन कर सकता है? कोई प्रोफेशनल कर सकता है या कोई नॉर्मल पर्सन जो जो अकाउंटेंट है जिसको नॉलेज होगी कि अकाउंट्स कैसे क्लोज करने हैं वो कर सकता है, तो वो एक फी मांगेगा। या फिर ब्रोकर, आपने मान लो क्या किया, एक ब्रोकर को बोला कि भाई मेरे एसेट सेल करवा दीजिए, इसके बदले हम आपको कमीशन देंगे, तो एक ब्रोकर हो सकता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन आपको इन दो एग्जांपल से बात समझ आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो खर्चा पे करना है, सॉरी खर्चा पे करना है नहीं, जिनका पैसा देना है वो होंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में मैंने एक काम करो, क्रेडिटर छोड़ो, इसको हम लिखते हैं बेटर, बेस्ट बेटर कुछ वर्ड यूज करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब टुवर्ड्स आउटसाइडर, आउटसाइडर में क्रेडिटर भी होंगे, बैंक का लोन भी होगा और भी कोई लोन यहाँ पे हो सकता है वो, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज की आप पेमेंट करते हैं। थर्ड नंबर पर जो पेमेंट की जाती है आपकी, वो की जाती है अगर किसी पार्टनर का लोन है, पार्टनर्स लोन, किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो वो पेमेंट की जाएगी। और फोर्थ नंबर पे जो पेमेंट होती है वो पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट होती है, पार्टनर्स कैपिटल, अगर किसी पार्टनर को पैसे देने बन रहे हैं तो वो कहाँ पे होंगे? सबसे आखिरी में। तो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो पार्टनर का ही है। अगर ये यहाँ पर 18 लाख, जो 18 लाख का जो अमाउंट है, हमने वैसलाइजेशन एक्सपेंसेस तो बिल्कुल कम होते हैं, एग्जांपल के लिए 20-25 हज़ार के होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। मेन जो पैसा दिया जाता है वो होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी वालों का, ठीक है। हाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी अगर किसी की सिक्योर्ड लायबिलिटी होगी, किसी ने कुछ एसेट के अगेंस्ट सिक्योरिटी ले रखी होगी, तो पहले वो पेमेंट होती है और बाद में अनसिक्योर्ड जो लायबिलिटी होती है उनकी पेमेंट होती है, ठीक है। तो मेन आपका ये है यहाँ पर, फिर लायबिलिटी वालों को पैसा दिया जाता है और उसके बाद पैसा दिया जाता है पार्टनर का लोन का, और अगर कुछ बचता है तो पार्टनर को की कैपिटल के टूवर्ड्स पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रोसेस रहती है डिसोल्यूशन के टाइम पर कि पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो बात ये आती है, यहाँ से हमारे आगे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं फर्दर, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूँ मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बस इतना सा मैंने पढ़ाया है कि अभी इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर यानी गार्डनर वर्सेस मूरे ना करा के मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, कि हमें एसेट्स बेचने हैं, पार्टनर से पैसा लेना है, कैश जो हमारे पास वो इकट्ठा करके पेमेंट करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट लिए हुए हैं, इनको मैं एक साइड कर देता हूँ, जब इनकी जरूरत होगी तो हम इनको रख लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आई है। अब हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और उससे आगे मैं आपके साथ बात ये करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो बीकॉम में टॉपिक होंगे हमारे, सबसे पहले जब पैसा लाने की बात होगी, जब पार्टनर से पैसा हमारा लेना बनता होगा, यहाँ पे टॉपिक्स, ये बीकॉम में टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, टू बी कवर्ड,
हाँ जी, क्या टॉपिक्स कवर होते हैं यहाँ पर? सबसे पहले सोलवेंट पार्टनर, सोलवेंट पार्टनर ये नॉर्मल केस होता है जो 12th क्लास में आपने देखा है। सोलवेंट पार्टनर्स यहां पे क्या होता है, अगर किसी पार्टनर से पैसा लेना बनता है, डिसोल्यूशन के टाइम पर, तो वो इजीली दे देता है, वो सोलवेंट होता है, मतलब उसको दिक्कत नहीं होती, वो पैसा पे कर देता है। ठीक है, तो ये हमने 12th क्लास में देखा था, 12th क्लास में भी हमने ये पढ़ रखा है, 12th क्लास का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, सेकंड जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर्स। ठीक है, ये हमारा यहां पे केस लो लिया जाता है गार्डनर वर्सेस मुरे, जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, यहां पे एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और गार्डनर वर्सेस मुरे का केस तभी लगेगा जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर हमारे सोलवेंट हो। ठीक है, उसके बाद हमारे यहां पर, मतलब यहां पर ऐसा होता है कि अगर मान लो ऐसा तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर में से दो पार्टनर से पैसा नहीं लेना बनता, उनको देना बनता है, और मान लो तीसरे सी पार्टनर से पैसा लेना बनता है, लेकिन वो लाने में कैपेबल नहीं है, वो पैसा नहीं ला सकता, उसके घर पे इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा ला पाए, तो उस केस में हमें क्या करना होता है वो हमें समझना है। ठीक है, अच्छा, ये 12th क्लास में हमने नहीं पढ़ा, तो ये बीकॉम में काफी ज्यादा आता है। फिर आगे बात आती है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल, यहां पे है इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर, और यहां पे टॉपिक आता है थर्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स। मतलब होता क्या है कि यहां पे सभी पार्टनर मिलकर लायबिलिटीज को रिपे नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सभी पार्टनर मिल जाए, पैसा वो ले भी आए, तब भी लायबिलिटी रिपे नहीं हो पा रही है, तो यहां पे होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। ये भी बीकॉम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बीकॉम पास के लिए मैं बात कर रहा हूं, बीकॉम पास अभी बात कर रहे हैं, बीकॉम पास। ठीक है, एक टॉपिक और आता है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है सर? ये जो टॉपिक है इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कैश का जो ये बंटवारा करना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, यहाँ पे पूरा एक चार्ट बनता है कैसे कैसे कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इस टॉपिक में वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए रेलेवेंट है? ये बीकॉम ओनर्स वालों को ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये बीकॉम ओनर्स है तो ये पास के सिलेबस में, टेंशन मत लेना, ये सारा ओनर्स और पास दोनों के सिलेबस में है, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ओनर्स वालों को काफी ज्यादा पूछा जाता है, और हो सकता है ओनर्स वालों से इंसॉल्वेंसी और ये भी पूछ ले, लेकिन बीकॉम वालों से ज्यादातर क्या पूछा जाता है, ये दो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ये नहीं करके जाएंगे, आप सिर्फ ये दो टॉपिक करके जाएंगे, बीकॉम पास वालों को सारे चारों टॉपिक करने हैं, लेकिन जो मेन फोकस रहेगा बीकॉम इसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर, जिसमें गार्डनर वर्सेस मुरे का केस पढ़ना है, और इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, इन दोनों पर उनका ज्यादा फोकस रहेगा, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन उनको भी करना है, क्या पता आ जाए तो आप मुझे ब्लेम मत करना कि सर आपने बताया था नहीं है, लेकिन ओनर्स वालों में तो ये बार बार आता है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम सारे ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं जो सोलवेंसी ऑफ ऑल पार्टनर जो 12th क्लास का टॉपिक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी 6 वीडियोस बनाई हुई हैं, 6 वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अब बात आपको सुननी है ध्यान से, इसके लिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, मैं आपको नोट्स दिखाऊं जरा, हाँ जी ये देखो, यहां पर आपको नोट्स भी मैंने यहां पर बनाए हुए हैं, तो ये सारे नोट्स आपको क्या कर लेने हैं, एक मिनट में थोड़ा सा साइज छोटा कर लूं, अच्छे से रीड करने हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट 100% यहां पे क्लियर है, जो बातें मैं इस वीडियो में बोलूंगा वो यहां पे मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे। सर ये डाउनलोड कैसे होंगे?
इसके लिए आपको क्या करना होगा, जीएसके क्लासेस ऐप, यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कॉर्नर पे लिखा हुआ है डाउनलोड जीएसके क्लासेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, वही एप्लीकेशन है जीएसके क्लासेस के नाम से, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल लिखा होगा वहां पे, आप देख लेंगे तो ये नोट्स वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप जीएसके क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे और चैप्टर्स की वीडियोस भी मिलेंगी प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड जरूर करिएगा। चलिए अब बात हम कर लेते हैं आगे, ठीक है। अभी हमें जो 6 वीडियोस देखनी है, जीएसके क्लासेस एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगी आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से, और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखेंगे तो वहां पे 6 वीडियोस की प्लेलिस्ट होगी, वहां पर जाके आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। वहां पे मैंने 100% कॉन्सेप्ट ये वाला कवर किया है, ठीक है, आपको हर एक चीज का रीजन समझाया है, तो वो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी बातें। अब बात आती है हमारी इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर की, जिसमें हमने बात की है गार्डनर वर्सेस मुरे केस की, जो ये केस लो आपको पढ़ना है। चलिए काम करेंगे, आज की वीडियो में गार्डनर वर्सेस मुरे केस नहीं कर रहे, एक नेक्स्ट वीडियो, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं गार्डनर वर्सेस मुरे केस को कराऊंगा, ताकि उसमें केवल ये केस लो ही डिस्कस हो, ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट की ये जो चैप्टर है वो वीक था 12th क्लास में या वो भूल गए हैं, तो प्लीज पहले 6 वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही ये 7वीं वीडियो, ये है 7th नंबर वीडियो जो कि आपको समझ में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।